हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिव और आप मुझे देख पा रहे हैं गुरुकुल अकेडमिक करनाल। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा जैन धर्म। हम करेंगे जैन धर्म के बारे में आज। जैन धर्म जो है, जैन शब्द जो है वो संस्कृत के जिन शब्द से निकला है, संस्कृत के जिन शब्द से निकला है। और जिन का क्या मतलब है बच्चे, जिनका मतलब है विजेता। जिनका क्या मतलब है विजेता, मतलब है जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से निकला और जिन शब्द का मतलब होता है विजेता। अगर इसके संस्थापक की बात की जाए, जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए, तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो ऋषभ देव जी हैं। जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो ऋषभ देव जी हैं। और अगर पूछ लिया जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, तो बच्चे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक क्या हैं? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। संस्थापक ऋषभ देव जी, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। अब जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं, तीर्थकर का मतलब है बच्चे गुरु। जैन धर्म में तीर्थकर होते हैं, तीर्थकर का मतलब क्या है गुरु। तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर यानी 24 गुरु हुए, 24 गुरु हुए। और इनके पहले माना जाता है आपका ऋषभ देव जी पहले तीर्थकर यानी पहले गुरु हैं इनके। और हमें पढ़ना सभी के बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ हमें यहाँ से शुरू करेंगे। जो इनके 23वें तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। 23वें जो तीर्थकर रहेंगे वो कौन रहेंगे? पार्श्वनाथ। और जो 24वें तीर्थकर रहेंगे, वो रहेंगे महावीर स्वामी। तो हमें शुरू करना है पार्श्वनाथ से, बच्चे हम शुरू करेंगे। और पार्श्वनाथ से हम जैन धर्म के बारे में यहां से जानेंगे। तो आप हेडिंग बना सकते हैं, तो पार्श्वनाथ के बारे में करेंगे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर। इनके जो पिताजी हैं वो अशोकसेन हैं। इनकी माताजी हैं वो वामा देवी हैं।
इनकी जो पत्नी है उनका नाम है प्रभावती, और ये चार सिद्धांत देते हैं, चार परम सिद्धांत देते हैं, वो चार परम सिद्धांत देते हैं। और कौन कौन से परम सिद्धांत हैं? वो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और अस्तित्व। ये क्या है? चार परम सिद्धांत हैं। चार परम सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तित्व। अब सत्य का तो पता ही होगा सभी को, अहिंसा का भी पता होगा, अपरिग्रह के बारे में आप लिख सकते हैं कि संपत्ति अर्जित ना करना, संपत्ति अर्जित न करना क्या कहलाया? अपरिग्रह कहलाया। अस्त क्या हो गया? चोरी न करना, चोरी न करना। ठीक है, तो ये हो गया पार्श्वनाथ। चार परम सिद्धांत किसने दिए? आपका हो जाएगा पार्श्वनाथ। यहां पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि पांचवा परम सिद्धांत किसने दिया? पांचवा परम सिद्धांत किसने दिया? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए पांचवा परम सिद्धांत किसने दिया, तो वो दिया महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी। और कौन सा सिद्धांत दिया इन्होंने? महावीर स्वामी ने सिद्धांत दिया पांचवा, जिसको आपने क्या कहा? ब्रह्मचर्य कहा। जिसको? ब्रह्मचर्य कहा गया जिसको। तो ये महत्वपूर्ण डिटेल मैंने आपको बताई, पांचवा परम सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रह्मचर्य सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया। चलिए बेटा, अब हम करते हैं महावीर स्वामी के बारे में ही। अब हम महावीर स्वामी के बारे में ही सीधा अब शुरू करते हैं। महावीर स्वामी, रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, बेटा बचपन का नाम महावीर स्वामी के वर्धमान है, वर्धमान इनके बचपन का नाम है। इनका जो जन्म हुआ और इनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे, जन्म और मृत्यु। इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का, यानी बालक वर्धमान का, बालक वर्धमान का जन्म 540 बीसी में होता है, और ये होता है आपका वैशाली। वैशाली के अंदर होता है, और कहाँ पे होता है? कुंडग्राम में, यानी आपका बिहार में जन्म होता है। वैशाली कुंडग्राम बिहार में इनका जन्म होता है, और इनकी मृत्यु 463 बीसी के अंदर इनकी मृत्यु होती है, और कहाँ पे होती है? पावापुरी के अंदर। पावापुरी आपका राजगृह में, पावापुरी कहाँ पे है? राजगृह में है। और ये भी कहाँ का पार्ट है? बिहार का पार्ट है। यहाँ पे इनका जन्म, यहाँ पे इनकी मृत्यु होती है। इनके पिताजी का नाम क्या होता है? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माताजी का क्या नाम है? इनकी माताजी का जो नाम रहेगा बच्चे, वो रहेगा त्रिशला। इनकी पत्नी का क्या नाम रहेगा? पत्नी का नाम रहेगा यशोधा। और इनकी एक पुत्री होती है बेटा, उन पुत्री का नाम क्या रहेगा? नाम रहेगा प्रियदर्शन, प्रियदर्शनी, प्रिय
दर्शनी या अनोजा भी कह दिया जाता है बेटा, अनोजा, या पूरा कई किताबों में अनोजा प्रिय दर्शनी करके बोला जाता है। तो इनके दामाद कौन है? इनके दामाद हैं जमाली, इनके दामाद हैं। और बच्चे ये 30 वर्ष की जब इनकी आयु हो जाती है, 30 वर्ष की आयु में यह गृह त्याग करते हैं, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं और अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर करते हैं। 30 वर्ष की आयु में ये क्या कर रहे हैं? अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर क्या कर रहे हैं? ये गृह त्याग कर रहे हैं। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। और फिर ये 12 वर्षों की कठिन तपस्या, बारह वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको क्या प्राप्त हो जाता है? ज्ञान प्राप्त हो जाता है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। अब ज्ञान प्राप्ति की जगह पूछ ली जाती है बेटा, जगह पूछ ली जाती है, नदी भी पूछ ली जाती है जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति हुई, और वृक्ष भी पूछ लिया जाता है जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जगह बच्चे जृंबिक गांव, जगह जृंबिक, और नदी जो होती है वो रिज्जुपालिका होती है, और जो वृक्ष होता है वो वृक्ष होता है साल वृक्ष, वो साल वृक्ष होता है। उसके बाद इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इनको बेटा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद क्या प्राप्त हो गया? इनको ज्ञान प्राप्त हो गया 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। एक तो पहला उपदेश, जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति से पहले ही इन्होंने एक शिष्य बनाया था। ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्होंने क्या बनाया? एक शिष्य बनाया, उसका नाम था मकली पुत्र गोशाल। तो मकली पुत्र गोशाल इन्होंने शिष्य बनाया। अब ये शिष्य थोड़े दिन तो रहते हैं किसके पास? महावीर स्वामी के पास, लेकिन फिर अलग हो जाता है ये मकली पुत्र गोशाल और एक अपना एक अलग धर्म बनाता है जिसको आजीवक संप्रदाय कहते हैं। एक अलग धर्म बनाता है और जिसको क्या कहते हैं? आजीवक संप्रदाय कहते हैं। तो ये याद रखें। उसके बाद इनको महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो बालक है वर्धमान, ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान क्या कहलाता है? केवलिन कहलाता है, केवलिन। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान केवलिन कहलाता है। और केवलिन का अगर अर्थ जाना जाए तो केवलिन का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान के स्वामी। केवलिन का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान के स्वामी। और उसके बाद महावीर स्वामी हो जाता है इनका नाम। और महावीर स्वामी को और किन किन नामों के साथ हम बेटा जान सकते हैं?
तो किन किन नामों के साथ जाना जा सकता है महावीर स्वामी को? हरियत, जिन और निर्गंत कह दिया जाता है। महावीर स्वामी को अरियत, जिन और निर्गंत कह दिया जाता है। हरियत का मतलब क्या होगा? पूज्य होगा, मतलब अगर पूछ लिया जाए। जिन का मतलब क्या होगा? विजेता होगा। और निर्गंत का मतलब क्या होगा? निर्गंत का मतलब होगा बंधनहीन, बंधनहीन। अब ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है तो महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी जो है उपदेश कौन सी भाषा में देते हैं? उपदेश कौन सी भाषा में दे रहे हैं? तो बेटा आंसर रहेगा अर्धमागधी में दे रहे हैं। और ये पहला उपदेश अपना महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया? तो राइट आंसर रहेगा विपुलांचल, विपुलांचल की पहाड़ियां, विपुलांचल की पहाड़ियों पर अपना पहला उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी 11 गणधर बनाते हैं। महावीर स्वामी अपने 11 गणधर बनाते हैं। गणधर क्या हो गया बेटा? शिष्य हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि महावीर स्वामी के जीवित रहते, महावीर स्वामी के जीवित रहते 10 गणधरों की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो कौन बचता है? एक ही नाम बचता है, सुधर्मण। कौन जीवित बचता है? सुधर्मण जीवित बचता है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। इसके अंदर साहित्य पूछ लिया जाए, यानी जैन साहित्य, जैन साहित्य को आगम कहा गया, जैन साहित्य को आगम कहा गया। और जैन साहित्य में ही बेटा याद रखेंगे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी द्वार और 1 अनुयोगी द्वार होता है, अनुयोगी द्वार। बेटे ये सारे के सारे इनके साहित्य हैं, साहित्य के प्रकार हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, 1 नंदी द्वार, अनुयोगी द्वार। और इनके प्रमुख साहित्य अगर पूछ लिया जाए, प्रमुख साहित्य कौन कौन से हैं इनके, तो प्रमुख साहित्य एक तो परिशिष्ट पर्वण है, परिशिष्ट, एक तो क्या रहेगा? परिशिष्ट पर्वण रहेगा, परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण के लेखक या रचनाकार कौन रहेंगे? तो हेमचंद्र रहेगा, हेमचंद्र। और अगर पूछ लिया, और दूसरा कौन सा रहेगा? और दूसरा रहेगा प्रमुख साहित्य एक कल्प सूत्र रहेगा, कल्प सूत्र। बेटा कल्प सूत्र से भी क्वेश्चन आ सकता है, कल्प सूत्र किसने लिखा? तो कल्प सूत्र लिखा
बद्रबाहु ने लिखा, और किस भाषा में लिखा, एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था कल्पसूत्र बद्रबाहु द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वन। लिखते हैं हेमचंद्र जी, लिखते हैं इसको, और ये सारे के सारे साहित्य हो गए। और इनकी भाषा जो है मैंने आपको बतलाई, इनकी भाषा क्या थी, अर्ध मागधी थी। चलिए अब महावीर स्वामी के बाद यह धर्म दो भागों में बट जाता है। महावीर स्वामी के बाद यह धर्म कितने भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है। तो कौन कौन से भाग हैं, वो एक भाग है यहाँ पे हम लिख रहे हैं श्वेतांबर, एक है दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत आंबर है यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर है ये है नंगन अवस्था में रहने वाले, नंगन अवस्था में रहने वाले ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। जो श्वेतांबर के प्रवर्तक हैं, श्वेतांबर को शुरू करने वाले हैं, उनका नाम है स्थूल बाहु, और जो दिगंबर को प्रमोट करते हैं इनका नाम है बद्रबाहु, इनका नाम है बद्रबाहु। अब एक एक नाम और बतलाया जाता है बेटा। श्वेतांबर को क्या बोलते हैं, तेरापंथी भी बोलते हैं, तेरापंथी, और दिगंबर को समैया भी बोला जाता है, समैया भी बोला जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनके बीच में अंतर क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं बेटा, अंतर क्या होगा इनके अंदर। जो आपका स्थूल बाहु है, एक तो ये सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं, और ये स्त्रियों को भी मोक्ष का अधिकारी मानते हैं, ये कहते हैं स्त्रियां भी मोक्ष की अधिकारी है, जबकि दिगंबर मना कर देते हैं, दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियां मोक्ष की अधिकारी नहीं, मोक्ष की अधिकारी नहीं। इनका मानना है कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। श्वेतांबर क्या है, श्वेतांबर मोक्ष प्राप्त करने के लिए खाना या अन्य चीजों को जरूरी मानते हैं, खाना या आहार कह सकते हैं, जरूरी मानते हैं। लेकिन दिगंबर जो हैं वो तो खाने से भी इनकार कर देते हैं, वो खाना जरूरी नहीं मानते। दूसरे इसमें ज़्यादा कष्ट है दिगंबर वाले में, श्वेतांबर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इन लोगों ने बना दिया है। तो आप ये भी क्या रख सकते हैं, आप ये भी चीज़ें याद रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने बताया था कि महावीर स्वामी अपने गणधर बना लेते हैं 11, उनमें से एक ही आदमी जीवित बचता है जिसका नाम सुधर्मन होता है, ये बात मैं बता चुका हूँ, सुधर्मन ही जीवित बचता है। अब कुछ हम यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे सारे के सारे तीर्थकर, और दूसरी जगह लिख लेंगे उनकी घटना या प्रतीक चिन्ह।
घटना या प्रतीक चिन्ह। तो सारे नहीं लिखेंगे, 24 नहीं लिखेंगे, कुछ में क्वेश्चन अराइज होगा, वही चीजें हम करेंगे जिसमें क्वेश्चनिंग आएगी। तो देखें, तीर्थकर जो पहले ऋषभ देव जी हैं, ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह वृषल होगा, वृषल या सांड भी आ सकता है, सांड और वृषल एक ही बात है। उसके बाद अजीतनाथ, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी रहेगा। उसके बाद रहेगा सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह जो रहेगा वो स्वास्तिक रहेगा। चंद्र प्रभु, चंद्र प्रभु का चिन्ह रहेगा चांद। शांतिनाथ तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह रहेगा हिरण। नेमिनाथ, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह रहेगा आपका नील कमल। उसके बाद मल्लिकानाथ, मल्लिकानाथ, मल्लिकानाथ का प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? मल्लिकानाथ का प्रतीक चिन्ह कलश। अरिष्ठ नेमी रहेगा, अरिष्ठ नेमी का प्रतीक चिन्ह रहेगा शंख। और उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं, तीर्थकर पार्श्वनाथ रहेगा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह रहेगा सांप। और उसके बाद महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह रहेगा सिंह। एक तो ये प्रतीक चिन्ह हमें याद रखने हैं, और बेटा अभी मैं स्टार लगा के एक दो क्वेश्चन और बताना चाहूँगा आपको जो कि आ सकते हैं। जैसे वो तीर्थकर कौन से हैं जिनको महिला तीर्थकर बताया गया, वो तीर्थकर कौन से हैं जिनको महिला तीर्थकर बताया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा मल्लिकानाथ होगा। मल्लिकानाथ, मल्लिकानाथ को महिला तीर्थकर बताया गया है। एक तो ये प्रश्न हमारा बन सकता है। दूसरा, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके निकट संबंधी कौन से तीर्थकर थे? श्री कृष्ण भगवान के निकट संबंधी यानी इनके साथ संबंध बताए जाते हैं, श्री कृष्ण भगवान के साथ संबंध बताए जाते हैं किस तीर्थकर के, तो राइट आंसर होगा अरिष्ठ नेमी। अरिष्ठ नेमी, तो ये हमारे दो अच्छे यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। और ऋषभ देव जी का दूसरा नाम पूछा जाए तो ऋषभ देव जी का दूसरा नाम यहाँ पे आदित्यनाथ लिख रहा हूं मैं, आदित्यनाथ, आदित्यनाथ, ठीक है। तो ये आप याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। एक यहां से संगीति कर लेते हैं, जैन संगीति, संगीति मतलब धर्म की बैठक। जैन संगीति, तो पहली जो संगीति हुई थी प्रथम, वो 300 BC में हुई थी,
और वो जगह थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ये जगह हो गई। और उसके जो अध्यक्ष थे स्थूल बाहु थे, उसके अध्यक्ष थे वो स्थूल बाहु थे। और इसमें जो कार्य हुआ था, कार्य यही हुआ था कि श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में ये बट गया था जैन धर्म। दूसरी जो संगीति हुई 512 एडी में हुई और वो वल्लभी, वल्लभी कहाँ पे बेटा, गुजरात में। और ये जो अध्यक्ष थे देवार्धी देव, देवार्धी देव क्षमा श्रवण, और यहां पे क्या हुआ था, जैन साहित्य लिखे गए थे। जैन साहित्य जो मैंने बताया 12 अंग 12 उपांग, वो थोड़े थोड़े आगे विस्तारित हो गए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, सिर्फ दो ही संगीतियाँ यानी दो ही धर्म की बैठक यहाँ पे बताई जाती है। एक ये याद रखेंगे, दूसरा यहाँ पे एक गोमटेश्वर है, गोमटेश्वर, ये गोमटेश्वर भगवान है बेटा। इनको ऋषभ देव जी की संतान माना जाता है और जैन धर्म से रिलेटेड है गोमटेश्वर भगवान। आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर हासन जिला है, हासन जिले में उस समय की 18 मीटर लगभग क्या थी, एक ही चट्टान को काटकर मूर्ति बनाई गई थी। एक चट्टान को काटकर पत्थर की मूर्ति बनाई गई थी, एक ही पत्थर से बनी हुई है वो मूर्ति, बहुत हाइट है उसके 18 मीटर। गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमा लगाई गई और ये जगह एक्चुअल में पड़ती है श्रावण बेल गोला, कर्नाटक की जगह है श्रावण बेल गोला हासन जिले में। यहाँ पे भगवान गोमटेश्वर जो कि ऋषभ देव जी के बेटे बताए जाते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की गई है। और हर 12-13 साल में यहाँ पे क्या हो रहा है, महामस्तिकाभिषेक होता है, महामस्तिकाभिषेक, पंचामृत से स्नान कराया जाता है उस बड़ी सी प्रतिमा का, जो अभी शायद फरवरी माह में पिछले वर्ष 19 के अंदर, ये वर्ष चला है जो 19 में फरवरी में इसका महामस्तिकाभिषेक हुआ था गोमटेश्वर भगवान का। एक ये महत्वपूर्ण, और उस मूर्ति को बनवाया किसने, उस मूर्ति को बनवाया चामुंडा राय ने, चामुंडा राय इसने उस मूर्ति को बनवाया था। एक आप ये चीज याद रखेंगे। दूसरा यहाँ पे अंत बिल्कुल अब थोड़ा सा विषय बचा है हमारा, एक यहाँ पे क्वेश्चन आया था, जैसे बाहुबली फिल्म हो गई बेटा, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान का ही दूसरा नाम बाहुबली था, गोमटेश्वर भगवान का ही दूसरा नाम बाहुबली था, लेकिन ये फिल्म वाला बाहुबली नहीं, ये फिल्म तो कुछ और दिखाती है, लेकिन क्या है, गोमटेश्वर भगवान को बाहुबली कहते थे। अच्छा, एक बाहुबली फिल्म भी आई थी, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे इस फिल्म में जो इसके निर्देशन थे ना, वो SS राजमौली थे, SS राजमौली क्या थे, इसके निर्देशन थे, निर्देशक। और ये फिल्म क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि एक मदन करकी हुए हैं, मदन करकी,
इस मदन करकी ने 750 अक्षरों से और 40 व्याकरण के नियम से, 40 व्याकरण के नियम, 750 अक्षर 40 व्याकरण के नियम से एक भाषा बनाई, जिस भाषा को आपने क्या कहा, किली किली कहा, किली किली भाषा। बेटा ये तेलुगु भाषा में फिल्म बनी थी, तेलुगु भाषा में, और उसका ओरिजिनल वर्जन किली किली लैंग्वेज में था। और हम लोगों ने जो बाहुबली फिल्म देखी है वो डब फिल्म देखी है। मदन करकी ने भाषा को डिज़ाइन किया था और उस भाषा को क्या कह दिया गया था, किली किली भाषा। और महेशमती साम्राज्य की ये कहानी है, अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव की, अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव, भल्लाल देव और अमरेंद्र बाहुबली की कहानी महेशमती साम्राज्य की, महेशमती। बेटा पूरी दुनिया ने इस फिल्म को सराहाया, और क्यों सराहाया, क्योंकि इसमें एक अलग लैंग्वेज बनाई गई थी। जो हम लोगों ने फिल्म देखी वो तो अलग ही लैंग्वेज में देखी। तो बाहुबली फिल्म को भी यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। अब इसमें शब्द जो पूछ लिया जाता है, शब्द है संथारा, शब्द है संथारा या संलेखना, संलेखना या संथारा। अब बताते हैं संथारा या संलेखना के बारे में। संलेखना बना सत जमा लेखन से, यानी सत्य का लेखा जोखा करना, सत्य का लेखा जोखा करना संलेखना कहलाता है। यानी इस विधि के माध्यम से क्या करते हैं, उपवास। और बेटा कैसा उपवास करते हैं, अन्न छोड़ दिया जाता है बिल्कुल, और साथ में जल छोड़ दिया जाता है बिल्कुल, और अपने आप को एक कमरे में भी बंद कर लिया जाता है कि जब तक क्या ना हो जाए, उस इंसान की मृत्यु ना हो जाए। ये एक ऐसी विधि है संलेखना। और बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, संथारा भी इसी को कहते हैं। जितने भी लगभग मोस्टली जो जैनिज्म में होगा, जो ऋषि मुनि होंगे, जैनिज्म के गुरु होंगे, वो संलेखना के द्वारा ही प्राण त्यागेंगे। लेकिन अब क्या है लेटेस्ट वर्जन, 10 अगस्त की बात है बेटा, 10 अगस्त 2015 के अंदर राजस्थान कोर्ट ने, बेटा राजस्थान हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने इसको इंडियन पिनल कोड आईपीसी की धारा 306 और 309 के तहत अपराध घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया, अपराध घोषित कर दिया कि कोई भी जैनिज्म के अंदर जो होगा वो संथारा या संलेखना नहीं कर सकता। कारण ये एक अपराध है, सुसाइड अटेम्प्ट है, इसीलिए इसको क्या कर दिया, राजस्थान कोर्ट ने इसको बैन कर दिया था। यानी संथारा हम लोग नहीं कर सकते, सुसाइड के अंदर आता है, और इसमें उन्होंने सजा का प्रावधान भी कर दिया। लेकिन बेटा अभी अभी आपको पिछले साल की एक घटना बताता हूँ। तरुण सागर जी महाराज थे, तरुण सागर जी महाराज ये जैन धर्म में दिगंबर थे, दिगंबर मुनि, जैन धर्म के दिगंबर मुनि थे। इन्होंने, तरुण सागर जी महाराज ने, और इनको लोग कड़वे प्रवचन के नाम से याद करते थे, कड़वे
परवचन के नाम से इनको लोग याद करते थे। इन्होंने तरुण सागर जी ने क्या किया था, पिछले वर्ष क्या की थी, संथारे या संलेखना विधि की थी, सरकार की नाक के नीचे तरुण सागर जी ने संथारा विधि को अंजाम दिया या संलेखना को अंजाम दिया और इस प्रकार इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। तो ये संथारा से क्वेश्चन निकल सकता है हमारा। और एक और क्वेश्चन कि संथारा के आधुनिक प्रवर्तक या संथारा में आज के युग में आधुनिक प्रवर्तकों में कौन से महान आदमी थे जो इसको सही कहते थे। एक तो महात्मा गांधी, बेटा महात्मा गांधी जी ने भी खुद बहुत ज़्यादा अनशन किए हैं, तो महात्मा गांधी जी क्या हैं, संथारा विधि को अच्छा मानते थे, साथ में विनोवा भावे, विनोवा भावे ये दोनों के दोनों संथारा विधि के क्या रहे हैं, पुरजोर समर्थक रहे हैं। अब बेटा थोड़ा सा डिफरेंट देख ले, बस हो गया हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हम देख लेंगे, किसके अंदर देख लेंगे कि जैनिज्म और बौद्धिज्म में क्या अंतर रहेगा। देखिए मूल अंतर क्या रहेगा, एक तो जो पूछा जा सकता है तो जो जैनिज्म है, जैनिज्म के अंदर वर्ण व्यवस्था को, वर्ण व्यवस्था को कायम रखने की बात रखी गई है, वर्ण व्यवस्था को कायम रखने की बात रखी गई है जैन धर्म में, यानी ये लोग वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे। जबकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था को गलत बताया गया। एक तो ये मेजर क्या है, इन दोनों धर्म के अंदर, रिलीजन के अंदर बहुत बड़ा मेजर डिफरेंट सामने आ जाता है कि इन्होंने, बौद्धों ने छोटा हो या बड़ा हो हर वर्ग के आदमियों को जोड़ा, सबको बराबरी का दर्जा दिया। और शायद यही कारण रहा होगा कि आज बौद्ध धर्म जो है वो इंटरनेशनल रिलीजन है और जो आपका जैन धर्म है वो नेशनल रिलीजन है, लेकिन बेहद खूबसूरत दो धर्म माने जाते हैं बेटा। तो आज की क्लास में ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हुआ जैन धर्म। बेटा यहाँ से जो जो क्वेश्चन आ सकते थे मैंने सबके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश की और हमने एक अच्छा विषय तैयार कर लिया किसी भी परीक्षा के लिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिएगा, गॉड ब्लेस यू।